हाँ दीप सिद्धू, यू मुझे मिल जाए ऐसा रैपट मारूंगी तेरा, ऐसे रैपट मारूंगी, तू आ जाए यहाँ जरा कर लेंगे। किसानों ने इतने दिन से कोई हाजक नहीं कर पाया, विपक्ष का डिस्कस कर लेगा, ऐसे बात मत लाया करो सब पत्रकार महोदय। विधायक जी, दिमाग आपका मुझे लग रहा संतुलन में नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है पूनम पांडे, आप इनको बहुत बार देख चुके होंगे, बहुत मुखर होकर हर टॉपिक्स बोलती हैं। पूनम जी ये बताइए कल जो आंदोलन खत्म होता दिख रहा था गाजीपुर पर, आज एक बार फिर उसमें नई जान आ गई है, क्या कहेंगे इस पर? किन्ने कही आंदोलन खत्म हो रहा भैया? यू आंदोलन खत्म नहीं हो रहा हो, यू आंदोलन देखे कुछ लोग परेड में आए थे, कुछ लोग तो उन्हें अपने घर भी जाना था ट्रैक्टर परेड के लिए, कि कुछ लोगों ने सोचा हम इतने दिन से हैं, अभी इन्होंने सोची कि ये तो कमजोर पड़ गए हैं। कमजोर थोड़ी पड़े थे बड़े भाई, इतनी छावनी में इन्होंने तब्दील कर दी। और मैं आपको बता दूं, मैं सभी से अनुरोध करती हूं, जितने भी मेरे देश के किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, भैया आंदोलन सच्ची दिशा में है, इस बात की इन्होंने सबूत दे दिया। यू काम करके जो लाल किले वाला काम करा इन्होंने करवाया उस बंदे पे, सबूत है ये इस बात का। आज महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, नरेश टिकैत जी मौजूद थे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बताइए, वहाँ पर जयंत चौधरी भी थे, बाकी तमाम विपक्ष के नेता भी थे, तो ऐसे में ये आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष ने इसको हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को? कर लेंगे, किसानों ने इतने दिन से कोई हाईजैक नहीं कर पाया, विपक्ष का डिस्कस कर लेगा, ऐसे बात मत लाया करो सब पत्रकार महोदय। अरे अन्याय सहयोग करने को अगर कोई व्यक्ति आ रहा, हमने आह्वान किया था उस व्यक्ति का जो कृषि से संबंध रखता है, हमने आह्वान किया था हर उस व्यक्ति का जो अन्न खाता है। अब भैया रोटी तो वे भी खावे भाई, ये ना खाते तो मैं क्या कर सकूँ यहाँ मैं भाई? इस आंदोलन को कौन हाईजैक कर लेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि 63 दिन से किसी पर हाईजैक ना हुआ, इन पे ही करवा लेते जो यह बिल का समर्थन कर रहे हैं, इनकी इतनी नई स्थिति, इन पे करवा लेते जो सत्ताधारी है, जो सबकी पार्टी है, सबकी सरकार है, हर सिस्टम उनका, उन पे हाईजैक ना हुआ ये कर लेंगे, तुम ही बताओ। 26 जनवरी पर हुई हिंसा का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? 26 जनवरी पर जो हुई हिंसा, उसका जिम्मेदार उस व्यक्ति को मानते हैं जिसने वो काम किया। क्या नाम है वह का छोरा का? सिद्धू, हाँ दीप सिद्धू, यू मुझे मिल जाए ऐसा रैपट मारूंगी तेरा, ऐसे रैपट मारूंगी, तू आ जा यहाँ जरा हरामखोर। इतनी बुरी स्थिति थी रात जब मैंने वीडियो देखी, टिकैत साहब रो रहे थे, इतनी बुरी स्थिति थी, हर वो आंख भारत की रो रही थी जो अन्न खाती है। हरामखोर तू आ जा, तेरे चांटे मैं ही मारूंगी, पूनम पंडित नाम है मेरा, बुलंदशहर की हूँ, हरामखोर। और दूसरी बात, उसको इतना 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 हाईलाइट चाहिए? जिम्मेदार वो है कि जिन्होंने सेल्फी ली, सेल्फी नहीं ली, सेल्फी की फोटो तो अलग होती है, जैसे यहाँ सेल्फी दुनिया ले रही है, आपकी भी ले रही है, इनकी भी ले रही, मेरी भी ले रही है, वो घर में है जो उनके साथ चाय पी रहे हैं बैठ के, वो जिम्मेदार। ठीक, जिम्मेदार वो लोग जिन्होंने उसको वहाँ जाने के लिए रास्ता दिया। इतने यहाँ पे किसान हैं, ठीक, कल पूरा छावनी में तब्दील हो गया ये क्षेत्र, क्या 26 जनवरी पे वो लाल किले को सेफ नहीं कर पाए? पुलिस देख रही थी। ये बताइए, आपने कहीं प्रशासन पे उन्होंने दबाव बना रखा था कि सिद्धू को जान दियो, या सिद्धू को जान दे हराम जादे, इसने तो भैया वह लाल किले के भी हाथ लगा के बस कहा, मैं बताऊं, मैं कुछ कह नहीं सकती उसके, तो तेरी कसम तेरे इतने छाटे मारूंगी, तू बस क्या मैं बताऊं तुझे। अच्छा मैम ये बताइए कल राकेश टिकैत साहब ने कहा कि यहाँ पर साजिश हो रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वो गिरफ्तारी दे देते तो जो लोग बाकी लोग जो घर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में घेर के उनके साथ मारपीट जैसी घटना भी हो सकती है। अरे एक बात बताओ, वो विधायक जी आए ना, मेरे बाबा ने बताई, वो विधायक जी आए तो बीजेपी के यहाँ पे काकन ने आए, वे 400 आदमी ने लेके नु कह रहे इतवार में खाली कर दियो यहाँ से, वे कौन है खाली करवाने वाले? वे हमसे हमारा अधिकार छीन गए। विधायक जी, दिमाग आपका मुझे लग रहा संतुलन में नहीं है, शायद दबाव आप पे ज्यादा बना दिया, तो संतुलन में रखें कृपया करके, अनुरोध है आपसे, पूनम पंडित का याद कर लीजिए, पूनम पंडित का अनुरोध है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों के पास भी वीडियो हो, जिन लोगों के पास भी हिंसा की कुछ भी वीडियो या कुछ भी क्लू हो, वो उनको दे, उनको मुहैया कराएं, इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस ने आगे जोड़ते हुए कहा है कि जो लोग भी इस हिंसा में शामिल थे उन पर कार्रवाई होगी, जिसमें किसानों का जिक्र ज्यादा किया जा रहा है। अरे भैया, किसानन का काय को जिक्र ज्यादा करा जा रहा है इसमें? उस आदमी का भी जिक्र कर लो ना जिसने ये हिंसा फैलाई है, उन व्यक्तियों का भी इस हटाओ, इससे इरिटेट हो रहा भैया, इसको उधर लगवाना जरा, उन व्यक्तियों को भी मिलवाओ ना जिन्होंने उन्हें रास्ता दिया है। और वो हिंसा की वीडियो सही अच्छी बात है, जो बेगुनाह हैं वो फंसे ना इसमें, और जो गुनहगार हैं वो बचे ना, अनुरोध है मेरा प्रशासन से, अच्छी बात है। हमारे ट्रैक्टर तो भैया कुछ ही जो ट्रैक्टर थे जो बिचारों ने दिल्ली ना देखी, वे तो ट्रैक्टरों के पीछे ट्रैक्टर लगे चले गए, आगे जाके भाग के मैंने ट्रैक्टर रुकवाया, मैंने कि हम आप गलत आ गए हैं, आपको वापस चलना है, सभी लोग वापस आ गए। किसानन को क्यों जिम्मेदार बता रहे हैं भाई? किसानों को क्यों बता रहे हैं? जो लोग वहाँ गए, जिस व्यक्ति ने तिरंगा फहराया,
और जिस जिस व्यक्ति ने उस लड़के की सपोर्ट करी, सहयोग करा, ठीक, उस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। एपी वाले देशद्रोही जैसे शब्द यूज कर रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। अरे एक बात बताओ भैया, इन्हें कहा कह मैं, चलो हमें तो ये देशद्रोही कह रहे हैं, इन्हें कहा कह मैं जो अपने धोरे बैठा बैठा के चाय पिया रहे व्यक्ति और वही तिरंगे का अपमान कर रहा व्यक्ति, फिर इन्हें हम कहा कह मैं, है कोई शब्द कहने को? है तो बता दो तुम। ये हमें तो देशद्रोही पहले से ही कह रहे हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी धर्म में बांटना चाह रहे हैं, बटे ना पर ये। अच्छा ये बताइए, जैसे कल लाइट काट दी गई, पानी की भी सप्लाई रोक दी गई ऐसा कहा गया, तो ये बताइए अगर ऐसी चीज दोबारा सरकार कर देती है और हर तमाम बॉर्डरों पर कर देती है तो इससे आंदोलन कमजोर नहीं हो जाएगा? एक बात बताओ, आंदोलन का कमजोर हो जाएगा? पहले दुनिया ना रहे भाई, भाई पहले भी तो रहे भाई, लाइट के बिना बिजली के बिना कोई बात ना। और जो दो चार जने जाके चार्जिंग कर लेंगे फोन वोन ने, दो चार जने जाके कर, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि वो हमारा पानी रोकें या हमारी लाइट काटें। किसने दिया ये अधिकार उन्हें? दिया किसने? वो आदमी का नाम बताओ। दिल्ली सरकार की तरफ से राघव चड्ढा भी आए थे, जल बोर्ड का पूरा टैंकर लेके आए थे, उनको भी पुलिस ने रोक दिया, पुलिस ने अंदर आने नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? काय को रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपकी यहाँ आप अंदर नहीं जा। अरे प्यासे को तो दुनिया पानी पिलावे, देश में ऐसी बात तुम फैला रहे हो, ऐसा मैसेज फैला रहे हो, ऐसा सिस्टम खराब कर रहे हो, इसमें किसानों का आंदोलन कमजोर ना हो रहा, ये सरकार का सिस्टम देखते रहो तुम क्या हो रहा। तमाम टीवी चैनलों पर जो तस्वीरें चल रही हैं, 26 जनवरी से पहले माहौल कुछ और था, 26 जनवरी के माहौल थोड़ा बदल गया, इस चीज़ को आप भी समझती होंगी? देखिए 26 जनवरी के बाद इसलिए माहौल थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि इस लड़के ने जो काम किया, हमारे बुजुर्गों की जो शहादत हुई है उनको ठेस पहुंचाई है, हमारे बड़े भाई किसान यहाँ पे हैं इनको ठेस पहुंचाई है, तो इसलिए थोड़ा सा गमगीन हो गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा, हौसला बुलंद है। चीज़ें टेंशन वाली बन गई, ये बताइए नरेश टिकैत ने आज जो वाली कुछ ना बनी है, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है सिस्टम। मुजफ्फरनगर में जो आज महापंचायत हुई उसके बाद तमाम यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, ये बताइए अब आगे भविष्य क्या देखती हैं आप, आगे क्या होगा? आंदोलन सभ्यता से चलेगा, सहयोग से चलेगा, अनुरोध है सभी से, संस्कृति से जैसा आंदोलन चला आ रहा है उसको चलने दीजिए, सहयोग करना आंदोलन में, हमारी तरफ से कोई गलती ना हुई है और ना होवे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद रखती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी से। आंदोलन जारी है और जिस चीज़ के लिए बैठे हैं उसको तो करवा के जाएंगे भाई।